नमस्कार दोस्तों, मैं उदयराज सोनकर अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। कुछ हमारे स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा कि सर मैथ का भी वीडियो लाइए। मैथ उन्हें उन लोग मैथ के ही नाम से हमें शायद जानते हैं, तो उन्होंने कहा सर मैथ का वीडियो लाइए। उन्होंने कुछ टॉपिक दिया कि 11 दिए टॉपिक हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा इसे आप बता दीजिए। तो हम आज उसी टॉपिक को लेकर के आए हैं यहाँ से। तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो जो लोग क्लास 11 या 9 10 11 जो भी हैं, वो अगर मैथ पाना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि उन्हें नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, आइए आज हम एक टॉपिक की बात करते हैं मैथ के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। टॉपिक क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो हिंदी में से कहते हैं मिश्रित संख्या। कौन सी संख्या? मिश्रित संख्या कहते हैं। तो मिश्रित संख्या समझने से पहले इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं मिश्रित मतलब क्या, और इसमें संख्याएं मिली हुई है उसे क्या कहते हैं, मिश्रित संख्या कहते हैं। लेकिन अब कौन सी संख्याएं मिली है वो हमें पता नहीं है। तो आप इस संख्या को समझने से पहले कुछ आप इसके बेसिक जो संख्याएं हैं जो नंबर सिस्टम में हम लोग देखते हैं उसको पहले आप यहाँ से ध्यान से सीख लीजिए। आज हम पूरा डिटेल से नहीं बात करेंगे नंबर सिस्टम में, जो नंबर सिस्टम यहाँ पे यूज होंगे उनके बारे में हम बता दे रहे हैं, और एक वीडियो लेकर के आएंगे नंबर सिस्टम का अलग से, उसमें क्या हो जाएगा पूरा टॉपिक क्या होगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कुछ जो इसके बेसिक पॉइंट है उसके। अगर आप नंबर की बात करें तो सबसे पहले जो नंबर आता है वो आता है नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर आता है? नेचुरल नंबर। यानी कि हमको आवश्यकता क्यों पड़ी, शुरू में हमको क्या हुआ कि काउंटिंग करने की आवश्यकता पड़ी, गिनती करने की आवश्यकता पड़ी। यानी गिनती हम लोग करते थे, और गिनती शुरू कहाँ से करते हैं, हम लोग हमेशा एक से ही शुरू करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग जीरो या दो तीन से शुरू करते हैं। तो गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? एक से शुरू करते हैं। यानी जो नेचुरल नंबर है उसका हम लोग प्रयोग किस में करते हैं? काउंटिंग करने में करते हैं। किस में करते हैं? काउंटिंग करने में। और संख्या शुरू कहाँ से होती है? एक से शुरू होती है। तो अगर हम बात करें नेचुरल नंबर की, किस नंबर की? नेचुरल नंबर की, यानी कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या की बात करें तो ये संख्याएं कौन कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये जो संख्याएं हैं ये संख्याएं कौन संख्याएं कहलाती हैं? नेचुरल नंबर कहलाती हैं। यानी ये संख्याएं जिनका हम प्रयोग गणना करने में करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब गणना करने में तो हम लोग कर ले रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम एक जगह पे आ गई। गणना जब हम लोग कर रहे थे वहां पे एक प्रॉब्लम ये आई कि अगर मान लीजिए सपोज दैट कि हमारे पास अगर 5 बुक है, कितनी बुक है? 5 बुक है, और वो 5 की 5 बुक हमारे पास क्या हो गई? खो गई। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई। अब मेरे पास बची तो बची कितनी बुक बची, उसको हम किस संख्या से डिफाइन करें? तो यहाँ पे आके क्या हो गई? प्रॉब्लम आ गई। तो समस्या जब आई तो इस समस्या का समाधान निकला किससे? शून्य से निकला। तो शून्य को भी क्या किया गया? इसमें ऐड किया गया, तो वो एक अलग संख्या बन गई। ठीक है, जैसे हम बात करें अगर यहाँ से कि अगर एक कमरे में 50 बच्चे हैं, कितने 50 हैं, और 50 के 50 क्या होगा? चले गए। तो कितने बचे? आप कैसे डिफाइन करेंगे उन्हें? तो आप उसे कि सिर्फ कैसे कर सकते हैं? जीरो से कर सकते हैं। तो इसमें क्या किया गया? जीरो को भी ऐड किया गया, तो एक नई संख्या यहाँ से बन करके आई। ठीक है, और उस संख्या को हम लोग जानते हैं होल नंबर। इस नंबर से जानते हैं होल नंबर, इसे हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या होगी? पूर्ण संख्या। और ये क्या होगी? इसमें हम लोग किसको ऐड करते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये जो संख्या है इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं होल नंबर, इसे कहते हैं पूर्ण संख्या। कैसी संख्या? पूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ तक तो बात क्या हो गई? क्लियर आ गई कि अब मान लो ये समस्या हमारी क्या हो गई? दूर हो गई। अब जीरो हमको मिल गया है। अब किसी में से अगर 5 में से 5 गए तो क्या मिल जाएगा? जीरो। कितने भी चले जाए सब क्या हो जाएंगे? जीरो। लेकिन और एक जगह क्या हो गई? प्रॉब्लम हमें फिर से आ गई। अब वो प्रॉब्लम कैसे थी? आइए यहाँ पे समझते हैं। वो प्रॉब्लम ये थी, एक संख्या यहाँ पे 3 हो गया और एक संख्या 5 हो गया। अब अगर हम इसमें से घटाएंगे तो अब ये किस संख्या के रूप में आए? यानी ये निगेटिव में आ रही है। किसमें आ रही है? निगेटिव में आ जा रही है। तो अब इस संख्या को किस नाम से जानेंगे? प्रॉब्लम ये आ गई कि इस संख्या को हम लोग किस नाम से जानेंगे? ठीक है, तो इसको दिया गया, उन्होंने कहा यानी इस संख्या को नाम दिया गया निगेटिव इंटीजर। क्या नाम दिया गया? निगेटिव इंटीजर। यानी इस संख्या को कहा गया ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। क्या कहा गया? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। और ऋणात्मक हुआ, अब समझिए तो ऋणात्मक हो गई, लेकिन जो पूर्णांक संख्या होती है उसे हम लोग
कौन संख्या कहते हैं वो जो है इंटीजर नंबर, कौन सी है इंटीजर नंबर, यानी इसे हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक, तो ये पूर्णांक संख्या है इसमें क्या होता है, आल पॉजिटिव यानी आल नेगेटिव और जीरो को, यानी तीनों को जब ऐड कर लिया जाता है तो वो जो संख्याएं होती है उसे हम लोग कहते हैं इंटीजर नंबर। कौन संख्या हो गई इंटीजर नंबर होती है, यानी वो हम लोग की हो गई पूर्णांक संख्या। इसमें क्या हो जाएगा, यानी जीरो, जीरो को हम लोग दाईं ओर चलते हैं किसमें मिलेंगे संख्या है पॉजिटिव में, और अगर हम लेफ्ट में आएंगे किसमें मिलेंगे निगेटिव में। ठीक है, तो ये जो नंबर है इसी को हम लोग कहते हैं इंटीजर नंबर, और ये जो नंबर है इसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहते हैं इसे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर, और इसे हम लोग क्या कहेंगे निगेटिव इंटीजर। क्या कहेंगे निगेटिव इंटीजर, और इसको हम लोग कहते हैं जीरो इंटीजर। क्या कहते हैं जीरो इंटीजर। तो आप ध्यान से दे सकते हैं इसमें नेचुरल नंबर भी इंक्लूड है और होल नंबर भी क्या है इंक्लूड है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो गया इसको हम लोग नाम दे दिए, नाम क्या दे दिए इसको नाम दे दिए कौन सा निगेटिव इंटीजर। ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी। ठीक, अब आगे एक समस्या फिर से आ गई, अब वो कौन सी समस्या उससे हम समझते हैं। और हाँ, ध्यान से एक बात ये ध्यान दे लीजिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि ये क्या है नेचुरल नंबर है और ये क्या है पूर्ण संख्या है। तो क्वेश्चन आपसे ये थ्योरी में पूछा जाता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। अब सारी आप लोग है नहीं यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ से बात करें कि जो सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या वे सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो आंसर आपका होगा क्या वो पूर्ण संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या सभी पूर्ण संख्याएं नहीं होती। क्वेश्चन इसी को उल्टा कर दिया, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो आंसर क्या होगा यस, यानी कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ये आपको क्वेश्चन मिल जाता है कहीं भी, ठीक है, तो आप एक बात को ध्यान दीजिएगा। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं ये सभी संख्याएं जो इसमें क्या है इंक्लूड है और इस संख्या में जीरो इंक्लूड नहीं है, तो दो क्वेश्चन यहाँ से थे वो क्या हो गए आपके क्लियर। ठीक है, बाकी जब हम नंबर सिस्टम की बात करेंगे उसमें एक एक नंबर यानी जितने भी नंबर होंगे सभी सभी हम लोग नंबर क्या करते हैं क्लियर करते हैं। ठीक है, आइए और समझते आगे। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आई, प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई कि अब हम जब लोग क्या कर रहे थे यानी कैलकुलेशन जब कर रहे थे तो उसमें समस्या ये आ गई कि कहीं हमको आ गया 2/3 यानी 2/3 या 5/6 आ गया। अब समस्या आ गया हम इसको कैसे डिफाइन करें, तो इसको कैसे डिफाइन करें, तो यहाँ से इस संख्या को भी एक और नाम दिया गया, इस संख्या को हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। इस नंबर को हम लोग कौन सा नाम दे दिए रेशनल नंबर, यानी इसे कहते हैं परिमेय संख्या। कौन सी संख्या हो गई ये परिमेय संख्या हो गई, क्लियर है बात। ये परिमेय संख्या यानी वो संख्या है, उन्हें संख्या को हम लोग कहते हैं जिन्हें हम लोग पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी अंश और हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं इसे कहते हैं परिमेय संख्या। क्लियर हो गई होगी बात यहाँ तक, ठीक है, आइए और आगे बात समझते हैं हम लोग। आगे की बात करें अगर तो क्या है कि यहाँ तक तुम्हारी प्रॉब्लम क्या हो गई थी सॉल्व हो चुकी, ठीक है, लेकिन अभी और भी कुछ प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई। कैसी आ गई आइए समझते हैं। आ गया यहाँ से कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आपको दे दिया गया 2। अब ये हमको इक्वेशन में मिल गया सवाल में, अब समस्या है एक्स की वैल्यू निकालनी है, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है एक्स की वैल्यू, तो आप सब जानते हैं कि एक्स को अगर हम लोग हल करेंगे तो कितना आएगा अंडर रूट 2 आएगा। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि इस संख्या को हम कौन सा नाम दें, अभी तुम्हें पता ही नहीं किस नाम से इसको व्यक्त करें, तो ये जो समस्या आई तो इस समस्या को ये समाधान किया गया कि ये संख्या, इस संख्या का नाम दिया गया, ये जो संख्या है इसे कहा गया इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर इरेशनल नंबर, यानी इसे कहा गया अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या हो गई ये अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक है। यहां तक अब हमने अपनी प्रॉब्लम को क्या कर दिया सॉल्व कर लिया, यानी इस संख्या को भी नाम दे दिया, कौन सी संख्या हो गई ये हो गई हम लोगों की इरेशनल नंबर। अब इस तरीके से जो भी संख्याएं आगे अगर रोड में है कोई संख्याएं तो आप समझ सकते हो कौन सी संख्या होंगी, वो अपरिमेय संख्या होंगी, ठीक है, कौन सी संख्या होंगी वो अपरिमेय संख्याएं हैं। तो अब यहाँ से ध्यान समझ सकते हैं जो लोग 10 में
अच्छे ध्यान से पाए होंगे, वो समझ रहे होंगे इसका यूक्लिड विभाजन से कैसे प्रूव किया जाता है, वो भी उन्हें पता होगा। ठीक है, अब हम यहाँ से अगर आगे की बात करते हैं, यहाँ तक तुम्हारी प्रॉब्लम क्या हो चुकी थी, सॉल्व हो चुकी थी। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम ऐसी आ गई, अब ध्यान से समझिएगा, ये इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन में आ गया कि एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो सॉल्व करना था हमें, और इस संख्या को निकालनी थी, एक्स की वैल्यू, और उसे हमें नाम देना था। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग उधर लेंगे, कितना हो गया माइनस वन। अब एक्स की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस वन, कितना हो गया, अंडर रूट माइनस वन। प्रॉब्लम यहाँ आके अटक गई कि अभी संख्या को हम लोग नाम दे तो कौन सा नाम दे, क्योंकि अभी तक ये संख्या डिफाइन थी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे समस्या आई, तो कहा गया कि अगर कोई भी संख्या है रूट के अंदर है और निगेटिव में भी है तो ये संख्या सबसे बेसमी संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा इसको, क्योंकि इसका वर्ग करने पर भी ये संख्या माइनस में रहती है, इसका वर्ग करने पर ये संख्या किसमें रहती है, माइनस में ही रहती है। ठीक, और ऐसी संख्या जो भी अभी अभी तक हमने देखा, अगर वो संख्या माइनस में भी है, अगर उनका हम वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो संख्या किसमें जाती है, प्लस में जाती है। लेकिन ये संख्या ऐसी है जिसका आप वर्ग भी करेंगे तब भी किसमें रहेगी, माइनस में रहेगी। ठीक है, तब इस संख्या को नाम दिया गया इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर, इमेजिनरी नंबर, यानी इसे कहा गया काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या, काल्पनिक संख्या। और इसको एक सिंबल दिया गया और डिनोट किया गया किससे, आई से। आई का जो मतलब होता ये क्या है, लैटिन वर्ड है, यानी क्या है, ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है। ठीक है, हुआ क्या, जो जिन्होंने ये संख्या को खोजा, पहले के जमाने में ऐसे होता था कि जो लोग जिससे ज्यादा प्रेम करते थे उसी को वो लोग नाम से जो संख्या, यानी जिसका भी खोज करते थे उसी को उस पर रख देते थे। तो उन्होंने अपने पत्नी के नाम पे, उनके पत्नी का नाम ही अयोटा था, तो अपनी पत्नी के नाम पे ही रख दिया इसको क्या, अयोटा। उनको अपनी पत्नी से ज्यादा प्रेम था तो अपनी पत्नी से क्या रख दिया, उन्होंने अयोटा नाम दे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इमेजिनरी नंबर, यानी कि इसे हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्या। अभी तक इसके पहले हम लोग जो बात किए थे वो सभी जो नंबर थे वो क्या थे, रियल नंबर। कैसे थे वो, रियल नंबर, यानी वो कौन सी संख्याएं थी, तो वो वास्तविक संख्याएं थी। कौन संख्याएं थी, वास्तविक संख्याएं थी। ठीक है, अब आइए हम लोग समझते हैं कि हम लोग यहाँ जान चुके हैं कि जो इमेजिनरी नंबर क्या होता है और रियल नंबर क्या होता है, यानी काल्पनिक नंबर क्या होती है और वास्तविक नंबर क्या होती है। आप समझ चुके होंगे यहाँ तक, उम्मीद करते हैं। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं, तो आगे ध्यान से समझिएगा। आप लोग जानते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर, कौन सा नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग बात करते हैं किसके, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिफाइन करें तो रियल नंबर और प्लस में क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर। इन दोनों को अगर हम यहाँ से मिला देते हैं तो जो हमारी नंबर बन के आता है, यानी जो हमारा संख्या बन के आती है, उसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर कहते हैं, उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। यानी कि रियल नंबर और प्लस कौन से हो गए, इमेजिनरी नंबर, दोनों को हमने मिला दिया तो कौन सा नंबर बन गई, कॉम्प्लेक्स, यानी कौन सा बन गई, मिश्रित। नाम से क्लियर हो रहा है कि इसमें किसी कोई ना कोई संख्या मिलेगी तब ये क्या हो जाएगी, मिश्रित बन जाएगी संख्या। तो अब यहाँ से आप समझ चुके होंगे, ध्यान दीजिएगा इसका जो मानक रूप होता है वो क्या होता है, आप यहाँ से समझिए। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं जेड से, इससे डिनोट करते हैं जेड से, और इक्वल टू रियल नंबर ए और प्लस आई और बी। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो संख्याएं आई के साथ जो भी संख्या लगी होगी वो कौन सी होगी, वो होगी इमेजिनरी नंबर। कौन सी संख्या होगी, इमेजिनरी नंबर होगी, क्यों, क्योंकि आई क्या है, इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या। ठीक है, और ये क्या है, ये रियल नंबर है, क्या रियल नंबर है, और ये क्या हम लोग का इमेजिनरी नंबर, कैसा नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है। तो आप ना देख सकते हैं, अब ऐसे समझिए, जिस ना समझ में आए तो आप समझिए, जिस संख्या के साथ आई लगा होगा वो वैसी संख्या होगी, हमेशा इमेजिनरी नंबर होगी, कैसी संख्या होगी, काल्पनिक नंबर। ठीक, अब बात यहाँ तक हम लोग ध्यान से समझ लिए कि इसका जो ध्यान जो मानक रूप है वो क्या होगा, ए प्लस आई भी होगा, और इसे हम लोग लिखते कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, इसे लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हो गया, ए। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो क्या है, ए है। ठीक है, और अगर हम बात करें इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वो क्या होगा, बी। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी नंबर है वो कौन सा है, बी। अच्छे से आप समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हो गई होगी बात।
आगे चलते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, रियल पार्ट ऑफ जेड यानी ये क्या है, ए है, और रियल पार्ट यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हो गया, बी हो गया। जेड आप लोग समझ सकते हैं क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर बात यहाँ तक। अब आइए हम लोग आई के बारे में अध्ययन करते हैं, किसके बारे में, आई के बारे में हम लोग देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अब समझते हैं आयोटा यानी आई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन होंगे सब इसी से क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, आई समझते हैं यहाँ से। आई जो है, अभी हमने बात किया, जो आई की वैल्यू होती है वो माइनस अंडर रूट वन होती है, कितना होती है, माइनस अंडर रूट वन होती है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, माइनस वन आएगा, ठीक है। और हम बात करते हैं इसके तीन घात की, तो तीन घात की अगर हम लोग वैल्यू निकालने की बात करेंगे, तीन घात की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, तो हम लोग इसको आई स्क्वायर इंटू आई कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर किसी भी संख्या में उसका बेस क्या है, समान है, तो उसकी पावर जो है वो मल्टीपल करने में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, पावर जुड़ जाती है, ठीक है। यानी कि आई आई बेस क्या है, समान है, इसकी पावर कितनी, एक है, जिसकी पावर कुछ नहीं, उसकी पावर कितना होती है, जिसका कोई नहीं उसका क्या होता है, भगवान, तो एक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है इसका, एक, और इसका कितनी है, दो। अब यहाँ से जब दोनों को मल्टीपल करेंगे तो दो एक कितना हो जाएगा, पावर तीन, यानी तीन बराबर हो गया, ठीक है। अब आई ऊपर समझिए, आई स्क्वायर की वैल्यू कितना है, माइनस वन है, कितना है, माइनस वन है, और ये कितना है, आई है, दोनों को मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, आई की पावर थ्री, और आई की पावर थ्री की वैल्यू कितना आ गई, माइनस आई, ध्यान से देख सकते हैं आप, ठीक है। आई की पावर थ्री वैल्यू हम लोग निकाल लिए, आई की पावर फोर की वैल्यू की बात करें तो फिर से हम क्या करेंगे, आई की पावर टू और आई की पावर टू करेंगे, दो दो कितना हो जाएगा, चार, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है, माइनस वन, और आई स्क्वायर वैल्यू कितना होती है, माइनस वन, और दोनों को हम लोग जब यहाँ से मल्टीपल कर देते कितना आते हैं, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो कितना हो गया, वन हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक बात, ठीक है। अब और आगे की बात करें, आई घाते फाइव को देख लेते हैं, तो आई घाते चार कर लीजिए और आई घाते कितना कर लीजिए, वन कर लीजिए, चार कितना हो जाएगा, पांच हो जाएगा। आई घाते चार की वैल्यू कितना होती है, वन, और यहाँ पे कितना है, आई, तो आप यहाँ समझ सकते हैं आई घाते फाइव की वैल्यू कितना हो गया, आई, बात क्लियर है, ठीक है। और यहाँ से समझते हैं और इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं, आप ध्यान से देखते रहिएगा, अभी जितने क्वेश्चन होंगे बहुत आसान हो जाएंगे, सभी के सभी क्वेश्चन आपको हल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से बात करते हैं आई घाते सिक्स की, तो आई घाते सिक्स पे आप क्या करेंगे, चार करेंगे और कितना करेंगे, दो करेंगे, यानी आई घाते सिक्स की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी होती है, एक, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस एक, दोनों को मल्टीपल करेंगे तो कितना आए, माइनस एक, देख सकते हैं आप कितना आ गया, माइनस एक, ठीक है। और हम बात करें आई घाते सेवन की, तो यहाँ से आई घाते फोर कर लीजिए और आई घाते कितना कर लीजिए, थ्री, और आप जानते हैं आई घाते यहाँ पे सेवन, इसकी वैल्यू कितना होती है, वन, और इसकी वैल्यू कितना होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना हो गया, माइनस आई, यानी कि इसकी वैल्यू कितना आ गया, माइनस आई, आ गया यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितना आ गई, माइनस आई आ गई। आई घाते आठ की बात करें तो आई की पावर फोर होगा, आई की पावर फोर होगा और कितना आ जाएगा, उसका वन आ जाएगा, क्योंकि आई की पावर फोर की वैल्यू कितना होती है, वन, आई की पावर फोर की वैल्यू कितना होती है, वन, दोनों को मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, वन, सिंपल सा, ठीक है। अब यहाँ तक हम लोग क्या किए, देख लीजिए, आप समझिए यहाँ से कुछ सीरीज बन रही है, उसे आप समझिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं आई की पावर वन की वैल्यू कितना थी, माइनस वन, आई स्क्वायर की वैल्यू कितना है, माइनस वन, वो रूट में थी, रूट में नहीं है, ठीक है। आई की घाते तीन की वैल्यू कितना है, माइनस आई, ठीक है, देख सकते हैं आप। आई की पावर फोर की वैल्यू कितना है, वन है, ठीक है। आई की घाते फाइव की अगर हम बात करें तो कितना है, आई, आई घाते सिक्स की बात करें तो कितना निकल गया है, माइनस वन निकल गया है। आई घाते सेवन की बात करें तो कितना निकल गया है, देख सकते हैं आप कितना है, माइनस आई आया। आई घाते आठ की बात करें तो कितना है, वन। अब ध्यान से समझिए आप, तो सीरीज आपको यहाँ पे दिखेगी, आई को आप रहने दीजिए, आई वैल्यू कितना है, माइनस अंदर रूट वन है, आई स्क्वायर वैल्यू माइनस वन, फिर क्या आया, माइनस आई, फिर वन, फिर क्या आया, आई, देखिए अब यहाँ से आई बार क्या आया, फिर से माइनस वन, ठीक है, और फिर से क्या आया, माइनस आई, और फिर क्या आया, वन। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे कि ये जो चार वैल्यू है, आप कुछ मत कीजिए, आप इन चार वैल्यू को याद कर लीजिए,
बस जितने भी क्वेश्चन है आपके क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे, आपको इन सब वैल्यू याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बाकी आप याद करने की जरूरत नहीं है, आपको हमने निकालना बता दिया है, आप अच्छे से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको अच्छे से क्वेश्चन आसानी जल्दी से करना है, टाइम को आपको बचाना है, तो आप क्या करेंगे यहाँ से इन चारों वैल्यू को याद कर लेंगे। आई की वैल्यू कितना होती है, अंडर रूट माइनस वन। आई स्क्वायर वैल्यू कितना होती है, माइनस वन। आई घर तीन की वैल्यू कितना होती है, माइनस आई। आई घर चार की वैल्यू कितना होती है, कौन होती है, फिर से वही सीरीज आना शुरू हो जा रही है, ठीक है। आई वन यही आएगा, ठीक। अब आइए समझते हैं हम लोग, यहाँ तक आप उम्मीद करते हैं कि समझ चुके होंगे अच्छे से, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया जो भी जहाँ पर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कीजिए, हम इसे नेक्स्ट वीडियो समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आता है, तो ध्यान दीजिएगा जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आपसे कह दिया आई घाते 24 की वैल्यू क्या होगी, आई घाते 23 की वैल्यू क्या होगी, आई घाते 19 की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन आपसे दे दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं आई की पावर 4 और इंटू में आकर के 6। अब यहाँ से 4×6=24 और बची कितनी, 1 पावर। ध्यान से यहाँ पे एक बात ये भी समझ लीजिए, अगर किसी ए की पावर एम की पावर अगर एन है तो ये हो जाता है ए की पावर एम इंटू एन, आप ये तो जानते ही होंगे, ठीक है। अगर आपने पहाड़ पीछे आपको पता ही होगा कि ए की पावर एम और इंटू एन की जो होता है तो क्या होता है, एम इंटू एन हो जाता है, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे 4×24 क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, 4×24 हो गया, कितनी घात हो गई, 24 घात हो गई। अब 25 यहाँ पे कितनी घात है, 24 से कितना हो गया, 25, क्योंकि दोनों का बेस क्या है, समान है, ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आई घाते 4 की वैल्यू कितना होती है, यहाँ से देखो कितना होती है, 1 होती है, वैल्यू को पुट कर दी, और यहाँ पे 6×2 कितना हो गया, आई। अब बताइए यहाँ से 1 की पावर कितना है, 6, 1 की पावर 6 नहीं, 6000 लगा दोगे तब भी कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो एक कदम मल्टीपल करोगे आई में तो कितना आएगा आंसर, इसका आई आएगा, यानी कि इसका कितना आंसर आ गया, आई। समझ गए होंगे आप, ठीक है, कैसे आया आई, यहाँ से आप समझ गए होंगे कि आपने क्या किया, 4×24 दोनों को यहाँ पे क्या करके तोड़ दिया और आई अलग कर दिया, आई के पास 4 पहले कितना होती है, 1 होती है, यहाँ हमने कर, ठीक है, आंसर कितना आ गया, यानी कि आई घाते 25 पहले कितना आ गई, आई, समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। आइए आप बात करते हैं आई घाते 23 की, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, आई घाते 4 बनाएंगे और फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, यानी कि 5 कर देंगे, ठीक है, 4×20 और इंटू कितना आ गया, आई घाते 3, ठीक है। अब इस पूरे की वैल्यू कितना आ गई, 1, और आई घाते 3 की वैल्यू कितना है, माइनस आई, ऐसा कितना आ गया, माइनस आई, क्लियर हो गई बात, ठीक है। आप निकाल लिए यहाँ से, अब यहाँ समझिए इसका, तो आई घाते 4 और इंटू हमने कितना कर दिया, 4×4=16, बचा कितना, 3, ठीक है। इसकी पूरी वैल्यू कितना होगी, 1, और इसकी वैल्यू कितना है, माइनस आई, यानी कि आंसर कितना आ गया, माइनस। आप इन 3 सवाल के माध्यम से समझ चुके होंगे कि कैसे वैल्यू निकलती है, ठीक है। अब इसको करने की जरूरत भी नहीं है आपको, और कैसे आसान हो सकता है, आइए उसे समझते हैं। आपको क्वेश्चन दे दिया, आई घाते 13 दे दिया, कितना दे दिया, 13। आपको अब यहाँ से आंसर देना है, अगर आपको यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ गया, उसमें 4 विकल्प दिए हैं, तो आप उस तरीके से नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कैसे, अब यहाँ इस यहाँ पे पावर है, इस पावर में 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, 4×3=12, पावर कितना बची, 1, आंसर कितना आ गया, माइनस 1, अंडर माइनस 1, बात खत्म, ठीक है। यानी कि आप यहाँ से समझ सकते हैं 4 का भाग दो जितना बच रहा है इन्हीं। अब यहाँ से एक बात और ध्यान से देख लेना कि अगर जो भी पावर बचेगी वो हमेशा 3 से कम ही बचेगी, 3 से ज्यादा कभी नहीं बचेगी, क्यों, क्योंकि आप भाग किससे दे रहे हैं, 4 से, और अगर किसी संख्या से आप भाग दे रहे हैं तो उसका जो रिमाइंडर आता है, जो शेषफल आता है, वो हमेशा उस संख्या से कम ही होगा, ठीक है। तो यानी कि ये कितना कम ही होगा, यानी ये आएगा जो वैल्यू है 4 से कम ही आएगी, इन 3 में कोई ना कोई आएगा, तो आप इन 3 की वैल्यू आपको याद ही है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे देते हैं आई की पावर आप कितना कर लीजिए,
कर लीजिए 17, 4 6 16 कितना आ गया अंडर रूट 1 आंसर। ठीक है, और आगे आप बात करते हैं, कर लीजिए हम कर दिए 35। ठीक है, अब यहाँ से आप करते हैं 4 8 32 कितना बच गया 3, कितना अंदर माइनस है आंसर। ठीक है, अब इस तरीके से आपसे कोई भी क्वेश्चन देता है, हाई की पावर आपके 2 दे दे 4 दे 10 दे 20 50 100 कितना भी दे दे, आप उसे आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, आइए और इसमें एक टाइप की सवाल बनती है जो उसे हम लोग ध्यान देते हैं कि वो कौन सा सवाल हो सकती है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको थोड़ा सा घुमाएगा, आपको दे दिया यहाँ से और आपसे कह दिया कि -23 है। अब इसका आंसर आप बताइए। तो अगर यहाँ पर पावर किसमें हो गई माइनस में, तो आप इसे क्या करिए बटन बनाइए, पावर किसमें हो जाएगी प्लस में, क्योंकि आपको पता होगा आंसर से अगर हर में आता संचिन्ह क्या होता बदल जाता है, तो माइनस किसमें हो गया प्लस में। अब फिर से वही रूल अप्लाई कीजिए, यहाँ पे आई पावर 4 कर दीजिए और यहाँ कितना कर दिए 5 और कितना आ गया 4 5 20 और 3 कितना हो गया 23 और यहाँ से हो गया कितना 1 और ये कितना आ गया इसकी पावर कितना होगी पूरे की वैल्यू कितना होगी 1 और इसकी वैल्यू कितना होती माइनस आई आंसर कितना आ गया कितना, या तो इसको 1/5 कितना ले सकते हो आई, क्योंकि अगर आप यहाँ से अगर माइनस से अगर प्लस में आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे तो क्या आएगा वो आपका माइनस ही आएगा, तो आंसर कितना आ गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको दे सकता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको आसानी से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दे आपसे तो आप उसे क्या कर सकते हैं आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने आज बात की है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में और इसी के अगले सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, तो आप लोग बताइएगा कमेंट।